Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं घर पर किस तरीके से अपने आईब्रोज को शेप करती हूँ और मैं पार्लर नहीं जाती हूँ. और ये जो प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल पेनलेस एक प्रोसेस है और बहुत ही इजी है, लेकिन आपको सही जो टेक्निक है वो जानना जरूरी है. तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ दिनों पहले मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल हॉल शेयर किया था और उस हॉल में मैंने अपने लिए आईब्रो रेजर्स परचेज किए थे. ये 3 का एक सेट होता है और मैंने वहां पर ये भी बताया था कि मैं आईब्रो रेजर्स एक्चुअली मैं घर पर अपने आईब्रोज को शेप करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ. तो बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि प्लीज शेयर करने के लिए मेरा जो आईब्रो शेपिंग का जो प्रोसेस है घर पर मैं किस तरीके से करती हूँ उसे शेयर करने के लिए. सो आज मैं आप लोगों के साथ वही डिटेल में शेयर करने वाली हूँ. और जो रेजर्स मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है ये वाला बॉन्सन आईब्रो रेजर. इसमें 3 आईब्रो रेजर्स आपको मिलेंगे और ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है. इससे पहले मैं टिंकल के आईब्रो रेजर्स इस्तेमाल करती थी जिसमें छोटे छोटे वेव्स होते हैं, ब्लेड में छोटे छोटे वेव्स होते हैं. लेकिन इस वाले में आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई वेव नहीं है, ये नॉर्मल एक रेजर है आईब्रो रेजर. लेकिन अगर इसमें छोटे छोटे वेव्स होते हैं जैसे टिंकल में होते थे, देन चेहरे पर कट नहीं होता. लेकिन इसमें आपको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, एकदम स्ट्रेच करके, अपने स्किन को स्ट्रेच करके फिर से इस्तेमाल करना है, वरना कट भी हो सकता है. माइनर कट्स जैसे शेविंग के वक्त होता है उसी तरीके का कट्स, बट जिसमें वेव्स रहते हैं उसमें वो भी नहीं होता. तो 2020 में मैं गई ही नहीं पार्लर एंड मैं सिर्फ घर पर ही अपने आईब्रोज को शेप करती थी. एक्चुअली शेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जब हम लोग पार्लर में जाते हैं तो थ्रेडिंग की वजह से ना पूरा एकदम जो हमारे आईब्रोज का जो प्रॉपर एक बहुत अच्छे से लिफ्ट अप जो शेप है वो मिलता है, अगर हम रेजर से शेप करते हैं वो उतना परफेक्ट नहीं होता. और मेरे आईब्रोज बहुत ही ज्यादा लंबे हैं और बहुत ही ज्यादा घने हो जाते हैं. इसी वजह से मैं एवरी वीक शेव करती हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा निकल आएंगे तो मुझे ना दिक्कत हो जाएगी शेव करने के लिए. तो अगर आपके बहुत ही बूशी आईब्रोज है तो आप 1 वीक बाद या जैसा आपको लगे ठीक वैसा ही आप शेव कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शेव कर रहे हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा हेयर है उसे हम लोग निकाल रहे हैं. तो इसी वजह से अगर ज्यादा बुशी आईब्रोज हो जाएंगे तो आपको शेपिंग में दिक्कत हो सकती है. और अगर आपके बहुत ही थिन आईब्रोज है तो आप घर पर इजीली एकदम 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद ही कर सकते हैं. और हाँ, ये एक फेशियल रेजर है, बट मैं कुछ मिथ्स बर्न आउट करना चाहती हूँ. फेशियल रेजर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा रफ हो जाता है और दाढ़ी जैसा निकलने लगता है. ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी पहले सोचती थी, मेरी मम्मी भी पहले सोचती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. मेरे जो हेयर है ना वो बहुत ही थिक है, तो मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ. तो अगर आपके थिन हेयर है तो डेफिनेटली आपके साथ भी नहीं होगा. थ्रेडिंग में क्या है, हेयर को पुल आउट पूरा कर देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग हेयर को ऊपर के लेयर से, सरफेस लेयर से हम लोग इसमें इसको काट रहे हैं, मतलब शेव कर रहे हैं. थ्रेडिंग की वजह से हेयर ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम लोग फेशियल रेजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हेयर ग्रोथ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है. दैट्स द डिफरेंस, नथिंग एल्स. हेयर थिक हो जाता है या फिर बहुत ही ज्यादा घने हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और आपको तो शेव करना ही पड़ेगा. अगर आप शेविंग स्टार्ट कर रहे हैं देन आप थ्रेडिंग भी कर सकते हैं कुछ दिनों बाद आप चाहते हैं तो. और एक डिस्क्लेमर मैं बताना चाहती हूँ कि इस फेशियल रेजर को मैं अपने फेस पर इस्तेमाल नहीं करती, मैं अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव अभी तक मैंने नहीं किया है. हाँ, मैंने अपर लिप्स के हेयर को रिमूव करती हूँ मैं इस फेशियल रेजर से ही, मतलब मैं अपने फेशियल स्किन पर इसे इस्तेमाल करती हूँ एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होता मुझे, कोई इरिटेशन एंड ऑल भी नहीं होता. बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है तो आप डेफिनेटली एक बार पैच टेस्ट करें, उसके बाद ही आप इसे अपने फेस पर इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर फेस पर ना एक्ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है. और अगर आपके फेस पर पिंपल्स वगैरह है, अगर आप फोरहेड को, जैसे हम लोग आईब्रो शेव करते हैं उसके बाद फोरहेड को भी शेव करते हैं, तो फोरहेड शेविंग के टाइम अगर पिंपल्स वगैरह है तो आप पिंपल्स के ऊपर इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट की प्रॉब्लम हो सकती है. सो क्लीन फेस पर ना आप इसे इस्तेमाल करें. और अगर फोरहेड पर पिंपल्स है, फोरहेड बाउंस है, तो आप सिर्फ अपने आईब्रोज को शेप करके छोड़ दीजिए, दैट्स इट. फोरहेड पर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है. सो चलिए अब देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से अपने आईब्रोज को शेप करती हूँ.
सबसे पहले एक क्लीन स्पूली से अपने आईब्रोज को ब्रश कीजिए, उसके बाद इसी तरीके से पाउडर अप्लाई कीजिए जहाँ जहाँ आपको शेव करना है वहाँ पर, फिर से स्पूली इस्तेमाल कीजिए और अपने आईब्रोज को ब्रश कीजिए, उससे एक्सेस पाउडर निकल जाएगी। फिर अपने स्किन को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए ताकि शेविंग प्रोसेस पेनलेस हो, कोई कट्स ना हो और शेव बहुत ही ईजिली हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो हेयर है वो निकल रहे हैं, पूरा जो हेयर है, कोई ट्रेसेस ऑफ हेयर भी नहीं रह रहा है। और हाँ, आप सबको ये ध्यान में रखना है कि आप कोई पानी जैसा कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल ना करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर पाउडर इस्तेमाल किया है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा है कि बोलते हैं एलोवेरा जेल वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, बट उससे ना बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको वो एरिया जहाँ पर आप शेव कर रहे हैं वो एरिया आपको ड्राई रखना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर पाउडर इस्तेमाल किया है। और अगर आप पार्लर्स में जाते हैं तो आपको पता है कि थ्रेडिंग से पहले वो पाउडर ही इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा जेल नहीं। और आप इस तरीके से अपने अपर पोर्शन को भी शेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे प्रोसेस को दिखाया है और मेरे यहाँ पर मिड पार्ट में थोड़े से हेयर है तो मैं उसी को भी शेव कर लेती हूँ। और आपको काफ़ी ध्यान से, टेक योर टाइम और बहुत धीरे धीरे से आपको ये जो शेविंग प्रोसेस है इसे करना है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मुझे इस वाले जो आई है ना, इस वाले आईब्रो में थोड़ा सा शेव करने में दिक्कत होता है, बट आप लोग देख सकते हैं कि कितने आसानी से हेयर जो है वो निकल आ रहा है। शेविंग करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, उससे क्या है कि हेयर ग्रोथ थोड़ा सा डिले हो जाता है। और आप कोई एलोवेरा जेल या फिर टोनर इस्तेमाल कीजिए एंड ये है जो फाइनल लुक है। आप लोग देख सकते हैं कितनी क्लीन आईब्रोज है एंड ये मैंने मेकअप करके और आईब्रोज को शेप करके मैंने यहाँ पर दिखाया है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था। और अगर आप इस आईब्रो रेजर को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने इसे नायका से परचेज किया है, आप चाहे तो किसी भी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप इसी टेक्निक को फॉलो करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।